सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिल्मी टॉकिंग नए एपिसोड में। और ये है फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 68। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट होना चाहते हो तो फ्रेंड्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का फिल्मी टॉक का अनदर एपिसोड। सो एपिसोड की शुरुआत करते हैं टोबिनो थॉमस और कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म तोलूमाला मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन से। सो तोलूमाला जिस मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन को अब रिलीज कर दिया, जहाँ पर इस मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन को मैंगो इंडियन फिल्म के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है। और फ्रेंड्स, इस मूवी को हिंदी में टाइटल दिया है स्ट्रीट फाइटर। ये मूवी जो है आपको स्ट्रीट फाइटर के नाम से देखने को मिल जाएगी मैंगो इंडियन फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर। विजय देवरकोंडा की आने वाली 12th फिल्म, जिसको अभी तक कोई टाइटल नहीं दिया है, इस मूवी को अब ऑफिशियली लॉन्च कर दिया इस मूवी के पूजा सेरेमनी के साथ में। और इस मूवी की शूटिंग को शुरू किया जाएगा जून 2023 से। और फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टार कास्ट में विजय देवरकोंडा के साथ देखने को मिलेंगी श्री लीला। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं गौतम तिन्नानुरी और इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाली सितारा एंटरटेनमेंट। और इस मूवी के अंदर हम सभी को अनिरुद्ध रविचंद्रन का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। आर माधवन, नयनतारा और सिद्धार्थ की अपकमिंग तमिल पैन इंडिया फिल्म द टेस्ट, इस मूवी के अंदर हम सभी को शक्ति श्री गोपालन का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। और इस मूवी को तमिल के साथ साथ सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में रिलीज करवाया जाएगा। जीवी प्रकाश कुमार और ऐश्वर्या राजेश की अगली फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक आउट कर दिया, जहाँ पर इस मूवी को टाइटल दिया डियर। और इस मूवी जो है फर्स्ट लुक पोस्टर भी आउट कर दिया। इस मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनाउंस हुई और पोस्टपोन हुई रिलीज डेट के बारे में। सो तेजस सज्जा स्टारिंग अपकमिंग पेन वर्ल्ड मूवी हनुमान, जो मूवी रिलीज होने वाली थी 12 मई से, लेकिन फ्रेंड्स इस मूवी को जो है पोस्टपोन कर दिया था। और अब इसकी जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दी गई कि हनुमान मूवी जो है अब ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है 12 मई से। अब ये मूवी जो है 12 मई से देखने को नहीं मिलेगी। इस मूवी जो नई रिलीज डेट है उसको जल्दी अनाउंस किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जैसे इस मूवी की नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट किया जाता है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं नेल्सन दिलीप कुमार, और इस मूवी के अंदर हम सभी को म्यूजिक सुनने को मिलेगा अनिरुद्ध रविचंद्रन का। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस मूवी की रिलीज डेट है उसको अनाउंस कर दिया, जहां पर इस मूवी को 10 अगस्त 2023 की रिलीज डेट दी गई है। जी हां फ्रेंड्स, ये मूवी जो है हम सभी को 10 अगस्त 2023 में देखने को मिलेगी। और इस मूवी को जो है पैन इंडिया रिलीज करवाया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स शिवा कार्तिकेयन की आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में। फ्रेंड्स, शिवा कार्तिकेयन की अपकमिंग काइंड ऑफ सुपर हीरो फिल्म, जिसका टाइटल है महावीरन, जिसकी रिलीज डेट भी हाल ही में अनाउंस किया गया था, जहां पर इस मूवी को 11 अगस्त 2023 की रिलीज डेट दी गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब अपडेट निकल कर आई है कि इस मूवी को जो है प्रीपोन किया जाने वाला है। जी हां फ्रेंड्स, अब इस मूवी को अगस्त में रिलीज न करते हुए इस मूवी को जो है एक महीना पहले यानी जुलाई के महीने में रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही है। और फ्रेंड्स, शिवा कार्तिकेयन की आने वाली 21st फिल्म, जिसका अभी टाइटल फिक्स नहीं है फिलहाल के लिए, इस मूवी को SK21 के नाम से जाना जाता है, जिसको डायरेक्ट करने वाले यहां पर राजकुमार पीरियासामी, और इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे कमल हासन और आर महेंद्रन, यानी कि राजकमल फिल्म इंटरनेशनल और सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शन जो इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाली है। और इस मूवी के अंदर हम सभी को जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। और इस मूवी के अंदर हम सभी को शिवा कार्तिकेयन के साथ देखने को मिलेंगी लीड रोल में साई पल्लवी। और इस मूवी के अंदर शिवा कार्तिकेयन जो एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, इस मूवी की शूटिंग है उसको स्टार्ट करवा दिया है और ये मूवी जो है साल 2024 में देखने को मिलेगी। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ बॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की आने वाली हिंदी एक्शन फिल्म छत्रपति, जिसको रिलीज किया जाने वाला है 12 मई से। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रन टाइम निकल कर आ चुका है, जहां पर इस मूवी का रन टाइम निकल कर आया 2 घंटे 6 मिनट का। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और पृथ्वीराज सुकुमारन की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज को कंफर्म कर दिया। ये मूवी हम सभी को देखने को मिलेगी ईद 2024 में। जी हां फ्रेंड्स, ईद 2024 में बड़े मियां छोटे मियां मूवी देखने को मिलेगी बड़े पर्दे पर। लेट हिंदी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, तो फ्रेंड्स इस मूवी को जो है री रिलीज किया जाने वाला है, जहां पर इस मूवी को 12 मई को हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। और फ्रेंड्स, इस मूवी को क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बर्थडे ओकेशन पर जो रिलीज किया जाने वाला है। अच्छा, तो फ्रेंड्स यही था आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।